हेलो ऑल, वेलकम टू टुडे गाइड। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.4 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। पहले हम प्लेन मतलब विदाउट डेसिमल नंबर को स्क्वायर रूट हम निकाल चुके हैं। अभी हमको डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। वेरी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही आपको करना है। देखो ये जो 2.56 दिया गया है ना, मैं यहाँ पर करती हूँ 2.56 और एक बार लिख रही हूँ, करेक्ट। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पॉइंट है या नहीं है कुछ भी नहीं देखना है, बस मतलब जब हम ये सॉल्व करेंगे। देखो इसको पहले हमको क्या करना था, जो विदाउट डेसिमल नंबर में हम राइट से उसको कपल अप नंबर करके जो बच गया, थ्री डिजिट है तो जो बच गया उसको भी एक नंबर कर रहे थे, मतलब टू पेयर बना रहे थे। सेम टू सेम ये भी टू पेयर है। और इसके बाद हम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर रहे थे उसी तरह करना है। देखो यहाँ पर 2 है तो 2 2 4 हम ज्यादा हो रहा है तो 1 1 2 सॉरी 1 1 1, तो 2 से 1 जाएगा 1 और ये जो 56 है नीचे आ जाएगा, 1 को हम ऐड करेंगे जो कि 2। यहाँ पर हम क्या लेंगे तो 156 आएगा, मतलब उसका 1 प्लेस में 6 आएगा। डायरेक्टली हम 6 लेते हैं, 6 6 4 36, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 ले लेंगे और यहाँ पर भी 6 लेंगे, 56 156 लिख देंगे और ये 0 इसको ऐड करके, करेक्ट हो गया हमारा आंसर। सेकंड नंबर पे चलते हैं। तो हाँ, उसके बाद हमको क्या करना है, मेन पॉइंट में भूल गई, 6 लगाया ना, तो ये एक नंबर, ये एक नंबर, मतलब पेयर ऑफ नंबर हमारा कितना, 2 पेयर है, 3 डिजिट पे पॉइंट लगा देना है, एक डिजिट के मतलब 2 नंबर हमने लिए हैं, 2 नंबर के बीच में लगाना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी तो आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि है हमारा 7.29। इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, देखो सेम है, इसी तरह ही है, कर दिए ये 2 नंबर मतलब 2 पेयर हो गया, तो 2 पेयर में क्या लेंगे, 2 2 4, ठीक है, 3 3 9 ज्यादा हो रहा है, 4 ये 3 2 9 नीचे आ जाएगा, 2 को ऐड करेंगे 4 लिखेंगे, तो कौन सा ये नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि उसका 1 प्लेस में 9 आएगा। हम 3 ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, तो 3 लेके चेक करेंगे, 3 3 9, 3 4 12 नहीं हो रहा है, तो उसके बाद हमको क्या करना है, 9 लेंगे, 3 नहीं तो 9, तो 49 9 9, जो नंबर यहाँ पर लेंगे वही नंबर यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है, तो 7 लेना है, 7 जिसमें हमारा ये 1 प्लेस में 9 आएगा, 7 लेंगे, 7 7 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 4 3 2 9 हो गया, और ये 2 9 माइनस 0, ये जो 7 हम यहाँ पर लिखे हैं, 7 लिए हैं उसको हम ऐड कर देंगे, 14 ये 5 4 हो गया। पॉइंट किधर लगाना है, 2 प्यार है तो बीच में लगाना है, एक नंबर के बाद 2 नंबर में, 2 नंबर के बीच में, ठीक है। और एक नंबर लेते हैं थर्ड, 51.84, देखो करेक्ट, 4 डिजिट है, बीच में हमारा क्या है, डेसिमल है, तो ये हो गया 2 पेयर, सेम टू सेम, 7 7 जा 49, 2 84, यहाँ पर 7 को ऐड करेंगे 14, तो कौन सा नंबर लेंगे, 2 लेके चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 284 हो गया, तो डायरेक्टली हमको 2 ले लेना है यहाँ पर, करेक्ट, 2 ले लिए, 284 यहाँ पर लिखे, माइनस किए 0 और ये जो 2 लिए है ना इसको ऐड कर देंगे, करेक्ट। उसके बाद पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट 72 आ गया ना हमारा, 7.2 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मतलब आईडी देखो पेयर कर लिए पहले, यहां पर 6 6 आ जाएगा, 6 6 36, ये 6 2 5 6 को ऐड करेंगे, 12 हो गया, और यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है 5, तो 5 लेके डायरेक्टली चेक करेंगे, क्योंकि राइट पे हमारा 5 ही आएगा, तो 5 इंटू 5 25, मतलब राइट पे 1 प्लेस में 5 आ रहा है, तो
125 5 625 डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, 5 को ऐड करेंगे और यहाँ पर माइनस कर लेंगे, 0 पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे, 6.5, ठीक है। तो 42.25 का स्क्वायर रूट हमारा 6.5 ही आएगा, करेक्ट। क्योंकि ये दोनों, ये जो चार डिजिट नंबर को ना हमने दो पेयर में बनाया है, तो बीच में ही वो डेसिमल आएगा। दो पेयर मतलब दो नंबर हो गया, तो एक नंबर लेफ्ट में एक नंबर राइट पे। नेक्स्ट वी पे लास्ट हमारा कौन सा नंबर आ गया, 31.36, ठीक है, कर दिए। 5 5 जा 25, ये 6 36 आ गया, और ये 5 10, और कौन सा नंबर यहाँ पर लाएंगे, 6 लाएंगे, यहाँ पर भी 6 लाएंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आ गया 636 माइनस करते हैं, 0 लिखते हैं, यहाँ पर इतना आ गया 12, और पॉइंट हम बीच में लगाएंगे जो कि 31.36 का स्क्वायर रूट 5.6 है आंसर। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।